गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संस्कृति जीवन की परंपरा है जिसका प्रचार प्रसार एवं विकास करने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से महोत्सव का आयोजन होता है जिससे हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति विकसित होती है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव बहुत अच्छे समय पर आयोजित किया गया है क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है जिसके आदर्शों का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 एवं 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व प्रारंभ होगा तथा 15 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 11 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव बड़े अच्छे समय एवं मुहूर्त शुरू हो रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी लोगों को प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। अति पावन धरा की महत्ता को दर्शाने प्रदेश की संस्कृति व लोक कला को बहुत बहुत स्वागत और क्या है भावी कर्णधार है और आप सबसे अनुरोध है कि हर प्रस्तुति के बाद आपकी तालियां जरूर। उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री राम नाईक जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां मित्रों माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी का स्वागत और अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर परिक्षेत्र श्री दावा शेरपा जी का स्वागत और अभिनंदन। पुलिस महानिरीक्षक सुफला मलय जय शीतल
धन्यवाद। निवेदन करूंगी सचिव महोत्सव समिति से कि हमारे मंचासीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बैच लगाकर दिया जलाएं। भरे दोपहरी में अधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तमका नह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। सर, सब लोग साथ में। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, सुख संपदाम, विनाशाय, साजम वर्त संयुक्तम, मन हिना योजितम शुभम, सिद्धार्थम सर्व कार्योयम, मंगल दीपम नमामि हम, मंगल दीपम नमामि हम, मंगल दीपम नमामि हम। हस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्युर्मा मृतम गमय। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, समस्त गोरखपुर वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमारे अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगणों का, जो कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी अतिथिगण हैं, बच्चे हैं, उन सभी का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ मेले में, जो महोत्सव में भाग लेने आए कलाकार आए हैं, जो यहाँ व्यापारी आए हैं, किसान आए हैं, शिल्पकार आए हैं, और जितने भी प्रतिभागी हैं मेले के, जो सहयोग कर रहे हैं, जो इसके काम में लगे हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में करता हूँ। हम सभी गोरखपुर वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति एक बृहद पैमाने पर 11 से 13 जनवरी तक गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से हम पूर्वांचल की लोक संस्कृति, कला कौशल और इस संपूर्ण क्षेत्र के अन्य सभी पहलुओं की झलक दर्शाने का, लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत मैं अवगत कराना चाहूँगा कि 11 से 17 जनवरी तक शिल्प मेले का भी आयोजन किया जा रहा है और महोत्सव में व्यापार मेला, ऑटोमोबाइल एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ 11 से 13 जनवरी तक विश्वविद्यालय प्रांगण में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात कलाकारों द्वारा शास्त्रीय और उपशास्त्रीय एवं लोक विधा का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों द्वारा भी यहाँ अपनी प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। शिल्प मेले के माध्यम से हम लोगों का प्रयास है कि पूरे देश में जो अलग अलग प्रांतों में जो शिल्प गतिविधियां होती हैं उसकी जानकारी सभी लोगों को मिले और साथ ही शिल्पियों को प्रोत्साहन भी मिले। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अवार्डी विभिन्न प्रदेशों जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कई प्रदेशों से कई शिल्पी हमारे आए हैं और स्टॉल इस बार हम लोगों ने उनके लिए लगाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे इस महोत्सव में मनोरंजन का पूरा प्रबंध किया गया है, ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तक मेला भी लगाया गया है और संभवतः गोरखपुर में पहली बार जो बुक रीडिंग का कार्यक्रम होता है वो भी इस महोत्सव में आयोजित किया जा रहा है। बच्चों के लिए गेम जोन का आयोजन किया गया है और बाल फिल्म महोत्सव के हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें शहर के जो सिनेमाघर हैं उनके सहयोग से विशेष रूप से हम ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बच्चों को जिन्होंने फिल्म नहीं देखी है या शहर नहीं देखा है, उनको अपने संसाधन से विभाग के माध्यम से लाकर उनको फिल्मों का प्रदर्शन, ज्ञानवर्धन का कराएंगे। जो 11 से 17 जनवरी तक विश्वविद्यालय प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के जीवन चरित्र पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं जो कि विभिन्न विभागों से जुड़ी हैं, जैसे पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, संस्कृति, समाज कल्याण, कृषि, फ्रूट एंड वेजिटेबल शो, पुष्प प्रदर्शनी, इन सभी के माध्यम से और सामाजिक उत्थान और स्वच्छता से संबंधित भी प्रदर्शनियाँ यहाँ लगाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी, मंडलायुक्त श्री अमित गुप्ता जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री जयनारायण सिंह जी, जिलाधिकारी श्री विजयेंद्र पंड्यन जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
डॉक्टर सुनील गुप्ता जी उपस्थित, महानुभाव कलाकार गण, अधिकारी तथा कर्मचारी गण, सभी स्टॉल धारक, पत्रकार मित्र और विद्यार्थी मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पिछले साल गोरखपुर महोत्सव यहाँ पर हुआ और आज दूसरे वर्ष का महोत्सव के उद्घाटन के लिए आने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मुझे यहाँ पर बुलाया इसलिए मैं महोत्सव समिति को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ यह पावन भूमि, बाबा गोरक्षनाथ की पावन भूमि है। यहाँ अलग अलग प्रकार के अन्य क्षेत्र में परिचित ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थान के कार्यक्रम पर आने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह दूसरा वर्ष है जब कोई भी नया काम शुरू करता है तो मैं हमेशा एक संस्कृत श्लोक बताता रहता हूँ और मुझे आज लगता है वो श्लोक मैं आपको आज यहाँ बताऊं। श्लोक संस्कृत है, उसका अर्थ भी मैं बताऊंगा। श्लोक प्रश्न पूछता है कि विद्वान किसको कहना चाहिए, विद्वान कैसे पहचाना जाता है, विद्वान का काम कैसे होना चाहिए। श्लोक की पहली पंक्ति पूछती है, बताती है विद्वान कौन है और विद्वान का चिन्ह क्या है और बुद्धिमान किसको कहा जाए। तो श्लोक की पहली पंक्ति कहती है, अनारंभो ही कार्याणाम प्रथमं बुद्धिलक्षणम्, यानी बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण ये है कि कोई भी काम शुरू नहीं करना। और ऐसा लगता है कि संस्कृत ऐसा कैसा बोलता है कि कोई भी काम शुरू नहीं करना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का पहला लक्षण है। लेकिन संस्कृत की खासियत ऐसी है कि दूसरे पंक्ति में वो उसका उत्तर भी देती है। तो दूसरी पंक्ति ये कहती है, प्रारंभस्य अंतगमने द्वितीयं बुद्धिलक्षणम्, बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण ये है कि एक दफे शुरू किया तो लगातार चलता रहना, लगातार करते रहना, ये बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। आज यहाँ पर दूसरी दफे ये आयोजन किया है और इसलिए आयोजक और कार्यक्रम में आप आए हुए सभी बुद्धिमान है, ऐसा सर्टिफिकेट मैं आप सबको दे देता हूँ। आज 11 जनवरी है, कल 12 जनवरी है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपने यहाँ के कार्यक्रम में एक नाटक भी होने वाला है।
लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जब मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं तो उनका आयु केवल 38 वर्ष का था, 38, लेकिन इतने कम आयु में उन्होंने अमेरिका में जाकर जहां सभी धर्म की परिषद चल रही थी ऐसे परिषद में जाकर भाषण किया। आज हमें कल्पना नहीं आ सकती है लेकिन भारत के लोगों की इंग्लैंड अमेरिका में कितनी कटुता से निंदा कर जाती है क्योंकि हम उस समय पर गुलाम थे और हम अनपढ़ हैं, हमको कुछ समझता नहीं है, ऐसा दुनिया में बता गया था। इंग्लैंड अमेरिका के होटल पर तो एक बोर्ड लगता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी भारतीय लोग और कुत्ते को इस होटल में प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से भारतीयों की अपमानित स्थिति थी और ऐसे स्थिति में वो सर्वधर्म परिषद में गए और उन्होंने जब भारतीय संस्कृति का बात उनको कहने लगे, केवल दो शब्द उन्होंने शुरू में कर कह दिए कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, ये दो शब्द सुनने के बाद सारे सभागृह में एक चेतना जैसी फैल गई कि ये क्या संत है, सबको भाई और बहने मानता है। और भारत की श्रेष्ठता बताते समय, क्योंकि उनके वक्तव्य के भाषण के पहले हर एक धर्म के धर्म गुरु ने मेरा धर्म कैसा श्रेष्ठ है, कैसा बड़ा है, ये बताने की कोशिश की। और जब स्वामी विवेकानंद जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने शुरुआत तो ये भाई और बहनों से शुरुआत की और उनके भाषण में उन्होंने जो कहा वह आज भी इतना महत्व का है कि अपनी जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा, उसके दरवाजे पर वो श्लोक लिखा हुआ है। वो श्लोक उसका आखिर का वाक्य ये है कि भारत ऐसे संस्कृति में विश्वास रखता है कि सारी दुनिया हम एक परिवार ऐसे मानते हैं। और वो संस्कृत श्लोक भी मैं विद्यार्थियों आपको बताना चाहता हूँ। वो संस्कृत श्लोक ये कहता है कि अयम निजः परो वेति, ये मेरा और ये तेरा। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं वह ये मेरा और ये तेरा ऐसा करते हैं। और आगे कहते हैं कि उदार चरिता नाम को, जिनका चारित्र्य उज्ज्वल है, बड़ा है, ऐसे लोग उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका चारित्र्य उज्ज्वल है वो सारे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इस प्रकार का संदेश स्वामी विवेकानंद ने सारे दुनिया को दिया और इसलिए विवेकानंद भारत के तो है ही लेकिन सारे दुनिया में एक श्रेष्ठ संत इस प्रकार से माने गए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का कल जन्मदिन है और ऐसे जन्मदिन पर मैं आज श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और चाहता हूँ कि हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी ने जो आदर्श हमारे सामने रखे उसके अनुसार काम करने की कोशिश करें। ठीक है, इसका हर एक दिन महत्व का है। अब कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होगी और 14 और 15 जनवरी को मकर से एक दूसरे को बताते रहते हैं
कि भाई एक दूसरे से प्यार से बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो महाराष्ट्र में बनती है, वैसे हमारे यहाँ तिळगुळ बोलते हैं और कहते हैं तिळगुळ घ्या और गोड़ बोला, यानी तिळगुळ ले लो। क्या है कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा त्यौहार कुंभ मेला अब 15 तारीख से शुरू हो रहा है और सारे दुनिया के लोग वह कुंभ मेला के दर्शन के लिए आएंगे। और ये कुंभ मेला तो हजारों साल से चलता रहा, लेकिन इस समय का कुंभ मेला जो है वो आपके जो यहाँ से मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह कुंभ मेला हो रहा है। वैसे मैं उस कुंभ मेला का अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन काम तो सब मुख्यमंत्री करते रहते हैं। और इस समय के कुंभ मेला की दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि जहाँ कुंभ मेला होता रहता था 400-500 साल, उस शहर का नाम था इलाहाबाद, लेकिन उसके पहले हजारों साल उस शहर का नाम था प्रयागराज। तो योगी जी के सरकार ने वो इलाहाबाद नाम बदलकर अब उसे नया नाम नहीं, पुराना जो था नाम था प्रयागराज का, उसको पुनर्स्थापित किया है। और योगी जी का ये सबसे बड़ा काम हुआ है कि अब जो कुंभ हो रहा है वह कुंभ इलाहाबाद में नहीं होगा तो वह कुंभ प्रयागराज में हो रहा है। दूसरा एक विशेषता उसमें है कि उसमें एक किला है और किला में एक वटवृक्ष है जिसको अक्षय वटवृक्ष कहा जाता है। कईयों ने उसको तोड़ने का परिश्रम किया अकबर के जमाने से, 440 साल पुराना इस प्रकार का वो वटवृक्ष है, लेकिन वह वटवृक्ष अंग्रेजों ने सत्ता आने के बाद उसमें किसी को जाने से पाबंदी की थी। अब देश आज़ाद होकर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब भी उस किले में जाकर वटवृक्ष का दर्शन करने के लिए किसी को जाने नहीं देते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने, आपके मुख्यमंत्री ने इसमें आगेवानी की और कल आपने अखबार में आज के पढ़ा होगा कि वह वटवृक्ष भी, अक्षय वटवृक्ष भी अब सबको वहाँ जाने के लिए परमिशन दी गई है। और ये पहला अवसर है कि हम वटवृक्ष का, अक्षय वटवृक्ष का दर्शन लेने के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री होने के बाद योगी आदित्यनाथ जी कई काम कर रहे हैं, लेकिन यह कुंभ मेला जो हो रहा है उसमें बहुत कुछ नई बातें हो रही है। तीसरी एक बात हुई है कि ऐसा माना जाता है कि कुंभ वहाँ क्यों, तो वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती ऐसे तीन नदियाँ मिल जाती है और इसलिए उसको प्रयाग कहा जाता है। और प्रयाग का राज ये इसलिए है कि तीन नदियाँ मिलती है, लेकिन वो तीसरी नदी सरस्वती लुप्त थी, दिखाई नहीं देती थी। तो कल ही जहाँ पर ये चित्र है वो सरस्वती का बहुत विशाल चित्र वहाँ लगाया गया है, जिसके कारण गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों बातें साथ में देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार का कुंभ 2 दिन के बाद शुरू हुआ है और इसलिए उस कुंभ के बारे में मैं सबको कहूँगा, जब दुनिया के लोग देखने के लिए आ रहे हैं, दुनिया के सारे देशों की एक संस्था है यूनेस्को, वह यूनेस्को ने ये कहा है कि ये कमाल का कुंभ होता है कि सारे दुनिया के लोग
यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, वहाँ सुविधा है नहीं है फिर भी आते हैं, ऐसा दुनिया में कहाँ भी नहीं होता है। और इसलिए कुंभ को उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर करके नाम दिया है। आपका यहाँ का जो उत्सव है वो भी सांस्कृतिक उत्सव है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि जो सांस्कृतिक उत्सव कुंभ में परसों से शुरू होगा उसकी जानकारी भी आपको दूँ। और केवल जानकारी नहीं, आपने भी अपने जीवन में ये पहला कुंभ हो रहा है इस बात को ख्याल में रखकर बिल्कुल 4 मार्च तक, 15 जनवरी से 4 मार्च तक, यानी मकर संक्रमण से शिवरात्रि तक यह कुंभ चलने वाला है। तो आप सब प्यार से, जैसे यहाँ प्यार से आए हैं वैसे कुंभ में जाकर प्यार से स्नान करें, ऐसा मैं आपको आग्रह करता हूँ। और वहाँ आने के लिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते और उस कुंभ समिति का अध्यक्ष के नाते मैं आप सबको आमंत्रण देता हूँ, आइए वहाँ बड़ी संख्या में आइए, तब आपका महोत्सव आज से शुरू हो रहा है और उसका उद्घाटन करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए उत्सव और महोत्सव में अंतर क्या है, उत्सव आनंद जो हम करते हैं वो उत्सव होता है, लेकिन महोत्सव मतलब बहुत बड़ा आनंद जिसमें आ जाता है। और अपने संस्कृति को लेकर जो जो हम त्यौहार करते हैं उसका एक दर्शन ऐसे महोत्सव में होता रहता है। और फिर इसमें आपको संगीत देखने के लिए, कलाओं का दर्शन यहाँ होता है, और नृत्य देखने के लिए मिलेंगे, नाट्य देखने के लिए मिलेंगे, कई स्टॉल्स लग गए, खाना, आखिर खाना है ना, आप क्या बोलते हैं इसको, क्या क्या खाने के लिए मिलता है यहाँ, मुझे तो होटल में जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। आनंद आनंद और आनंद, यही 3 दिन का आपका कार्यक्रम यहाँ रहेगा। और ऐसा महोत्सव हो जाए कि फिर अगले साल जब आप इकट्ठा आएंगे तो आपको दूसरे महोत्सव की बहुत अच्छी याद रहेगी, ऐसा काम यहाँ रहेगा। क्योंकि संस्कृति यह हमारी जीवंत परंपरा है और इसका प्रचार प्रसार और विकास करने की जरूरत है, कि विकास करने के लिए ही इस प्रकार के महोत्सव होते हैं। और ऐसे महोत्सव में एक आनंद आता है, उस आनंद को परमानंद कहा जाता है। तो परमानंद प्राप्त करने के लिए आप सब यहाँ आए हैं, और मुझे विश्वास है कि गोरखनाथ एक दृष्टि से यहाँ आध्यात्मिक नगरी तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक नगरी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए जिन्होंने संकल्प किया है, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी का स्थान भी यहाँ है। और इसलिए यहाँ जो होगा, वैसा यदि गोरखनाथ गोरखपुर में प्रगति होती है तो उत्तर प्रदेश में प्रगति होगी, और उत्तर प्रदेश में प्रगति होती है तभी देश की प्रगति हो सकती है। और इसलिए ये महोत्सव आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्व का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये आपको उत्तर प्रदेश का महत्व मालूम है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, छात्रों को मैं विशेषता बताना चाहता हूँ, आपको इतना मालूम होगा कि भारत में कई प्रदेश है, कई प्रांत है, और उसमें सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है ये कहने के बदले में और एक दूसरी बात मैं आपको बताना, क्योंकि आप सिविक के भी अभ्यास करते हैं, उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते हैं, आम होगा तो आम खाते हैं, और कोई दूसरा जगतबंध हुआ है तो आपको भी सूर्य के जैसे जगतबंध होना है, तो आपको भी सूर्य के जैसे चलना होगा, चलना होगा, और इसलिए आप सूर्य के जैसे चलते रहो। और ऐसे चलते रहने के लिए आपको प्रेरणा, नमस्कार, जय भारत और सम्मान करें।
बहुत धन्यवाद। परमादरणीय राज्यपाल महोदय जी, आपके हृदय दिल से हम धन्यवाद देते हैं, ताकि हम जानते हैं कि महोत्सव समिति का ये दूसरा समारोह है। पिछले साल आप अत्यंत प्रयास किए थे, मौसम खराब होने के कारण पिछले साल हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं पाए थे। इस बार हम लोग गौरवित हुए, गोरखपुर वासी सभी लोग आपके लिए हृदय से दिल से धन्यवाद देते हैं, ताकि आपने अमूल्य समय निकाल के आज मौसम खराब होने के बाद भी, 2 घंटे 1.5 घंटे डिले होने के बाद भी हम लोग के भी थोड़ा डर था इस बार भी ऐसे नहीं हो जाए, बट आपका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आके हम लोग सब लोग का आशीर्वचन दे के उत्साहित किए, उसके हृदय दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं सर। यहाँ मंचा सिंह VC दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, VC साहब का सहयोग हमेशा हम लोग का मिलता रहता है। इस बड़े प्रांगण में पूरा व्यवस्था नीका है, हम लोग का हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और साथ साथ यहाँ आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण आपको धन्यवाद देता हूँ। इस समिति का अध्यक्ष जी माननीय कमिश्नर साहब आपको धन्यवाद देता हूँ, IG जोन साहब बहुत धन्यवाद आपको, SSP महोदय और मंचा सिंह सभी अधिकारीगण सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आए हुए कलाकार लोग और आर्टिस्ट कितने लोग सबको धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ यहाँ आए हुए सारे मीडिया साथियों आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कितने स्पॉन्सर्स हैं, हम लोग इवेंट का स्पॉन्सर के रूप से इसको बृहद कार्यक्रम के रूप से परिवर्तित किया है, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय राज्यपाल आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में है और सामने सोफे पर विराजमान हो रहे हैं, जोरदार तालियों से पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और हमारे बीच में स्टेपिंग स्टोन इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ प्रस्तुति देंगे, और खासतौर से धन्यवाद करना चाहेंगे स्टेपिंग स्टोन के डायरेक्टर। बस रहे हैं राज योगी, गुरुकुल चाहे उत्सव गोरखपुर का है महोत्सव, रहे हैं नाथ योगी। बुद्ध का निर्माण स्थल राप्ति रोहिणी बहती कलू